तो आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा अस्पताल का? कितना दर्द हुआ? किस प्रकार का ऑपरेशन मानोगे इसको? सीरियस ऑपरेशन है, छोटा है? हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एसीएल की चोटें ऐसी हैं जिसके बारे में सब जगह लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जब पहली बार लिगामेंट में चोट लगती है और वो जाके पेशेंट एक्सरे करवाता है तो एक्सरे नॉर्मल आता है और डॉक्टर उनको तसल्ली दे देते हैं कि भैया आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो। लेकिन जब वो एमआरआई कराता है तो उसको पता चलता है कि इसका लिगामेंट टूट गया है। पहली बार लाइफ में पता चलता है कि एसीएल जैसी चीज़ भी घुटने में थी। उसके बाद वो रिसर्च करना शुरू करता है, आसपास के डॉक्टरों को दिखाता है, तो कई लोगों को तो वो चीज़ इतनी क्लियर होती नहीं है। वो कहते हैं कि भाई आप दिल्ली बॉम्बे ऐसी जगह चले जाओ, वहीं पर इसका इलाज अच्छा होता है। लेकिन जब वो दिल्ली बॉम्बे की रेट पूछता है तो उसको एकदम पूरा घबरा ही जाता है, क्योंकि वहाँ डेढ़ डेढ़ दो दो लाख का खर्चा बताया जाता है, जो आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर होता है। वो सरकारी अस्पतालों में भी एक बार देखता है, वहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सस्ता इलाज हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पर भी जो खर्चा तो कम बताया जाता है, लेकिन टाइम इतना लगता है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाती है। ऐसे में जब वो मेरा चैनल देखता है तो उसको पता चलता है कि एक जगह इंडिया में ऐसी है जहाँ पे कम खर्चे में एसीएल का इलाज हो जाता है, बार बार आना जाना भी नहीं पड़ता और रिकवरी भी फुल रहती है। इसीलिए इंडिया के हर कोने से लोग मेरे पास एसीएल का इलाज कराने आते हैं। आज भी मेरे साथ एक ऐसे फाइटर मौजूद है जिनका इलाज मैंने 15 दिन पहले किया था। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? सुभाष कुमार है सर। सुभाष कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं सिकरिंग का हूँ। आपको लिगामेंट की चोट लगी कैसे थी? सर मैं मतलब ट्रेनिंग में था तो जंप करते समय लग गए। क्या काम करते हैं आप? राजस्थान पुलिस में सर। तो आपको तुरंत ही पता चल गया था कोई मिस्टेक हुई है या बाद में पता चला? बाद में पता चला, 6-7 महीने बाद है सर। तो आपने आसपास में कहीं सीकर में या कहीं राय ली थी, क्या उनका कहना था वहाँ पे? हाँ ली थी, लेकिन सर आप ही का नाम बताया, एक दो पूछा था सर तो बोला कि उनका नवीन सर हैं जयपुर में, तो उनसे करा। और आप जब मेरे पास आए थे डॉक्टर, दोस्तों इनका जो ऑपरेशन था वो RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से हुआ था। तो आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा अस्पताल का? कितना दर्द हुआ? किस प्रकार का ऑपरेशन मानोगे इसको? सीरियस ऑपरेशन है, छोटा है? नहीं छोटा है सर, कोई पता ही नहीं चला मेरे को तो सर ऑपरेशन। कई लोगों ने बड़ा डराया होगा, ऑपरेशन शब्द भी इतना डरावना है, आदमी एक बार घबरा जाता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो आप ही मानोगे कि ऑपरेशन नाम है लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये? हाँ सर। कितने दिन के बाद आपने चलना फिरना शुरू कर दिया था? सर मैं तो मतलब उस ऑपरेशन करने के बाद में चलने, 2-3 दिन बाद में। ठीक है, तो आप मान लो कोई और भी पुलिस के लोग हैं जिनको कि लिगामेंट की चोट है और समझ भी नहीं आ रहा, उनको कन्फ्यूजन है कि भाई कराऊं कि नहीं कराऊं, तो आप क्या राय उनको दोगे? मैं तो दूंगा सर, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा ले और नवीन सर का बताओ। दोस्तों अगर आप लोगों को भी लिगामेंट की प्रॉब्लम आ रही है और समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ पर बेस्ट क्वालिटी इलाज होगा, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर रिपोर्ट मुझे भेज सकते हो। और इंडिया की सबसे बड़ी हेल्थ कम्युनिटी ACL कम्युनिटी से आप हेल्थ एंड चैट पे भी जुड़ सकते हो। आप गूगल पे हेल्थ एंड चैट टाइप करिए और मेरा वेबसाइट खुलेगा, उस पर आप साइन इन कर लीजिए। आपकी ACL रिलेटेड कोई और भी इश्यूज़ हो तो मैं उसके आंसर दूंगा, एक्सरसाइज भी आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।